रहा और इसकी सफलता के लिए मैं राज्य सरकार की ओर से, अपनी ओर से, तहे दिल से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों का हर कदम पर सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तथा श्री सुदर्शन भगत जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह संपूर्ण आयोजन माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के कुशल नेतृत्व में, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी माननीय मंत्रियों की मार्गदर्शन में संभव हो सका है। लगभग एक वर्ष पूर्व जब इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की परिकल्पना की गई थी, तब से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागों के पदाधिकारी कर्मचारी लगातार दिन और रात इस आयोजन के सफल संचालन में जुड़े रहे हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय सांसदों, माननीय विधायकों, रांची के महापौर, यहाँ के उप महापौर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी तथा उद्योग जगत के सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से हमारे इन्वेस्टर्स जो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा यहाँ पूंजी निवेश कर रहे हैं, उनका विशेष रूप से राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे सहयोगी CII, अर्नस्ट एंड यंग तथा मीडिया पार्टनर एड फैक्टर की प्रमुख भूमिका रही है। इस आयोजन में रांची जिला प्रशासन, यहाँ के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त की भूमिका प्रशंसनीय रही है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं तथा विशेष रूप से राज्य की जनता, रांची के निवासी जिनकी जन भागीदारी हर कदम पे हमें मिली है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राह दिखाई है, आज झारखंड के विकास की नई यात्रा प्रारंभ हो रही है और इन सब में हम अपेक्षा करेंगे कि आप और हम सब कोई मिलकर इस विकास की नई यात्रा में सहभागी बने। जय हिंद, जय झारखंड।